जय हिंद गुड इवनिंग बिहार एटेटर ट्वेंटी फोर सेवन में आप सभी का अभ्यर्थियों का स्वागत है आप सभी कैंडिडेट्स जो लोग भी आने वाले दिनों में एग्जाम्स देने वाले हैं एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन सेशन होने जा रहा है तो आप लोग बड़ी बहुत जल्दी जुड़ जाइए हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं ये जो सेशन है इसमें फाइव टू तो सिक्स में हम लोग जी के जी एस के कंप्लीट पॉइंट्स इंक्लूडिंग करेंट अफेयर जैसा आप लोग देख पा रहे हैं हम लोग इसके अंदर पढ़ने वाले हैं इसके अंदर हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का डिस्कशन होगा और साथ में क्या पढ़ेंगे साथ में हम लोग करंट के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सभी चीजों को भी हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत जल्दी आप सभी लोग जुड़ जाएंगे और जैसा आपको पता है कि ये तीसरा सेशन है परसों ही मैंने शुरू किया था कल बड़ी संख्या में बच्चे जुड़ भी गए थे और आज जो है वो थर्ड डे है इस सेशन का और जैसा आपको पता है कि कल हमने जी ट्वेंटी समिट के बारे में जो इंडोनेशिया में चल रहा है और आज वो ओवर हो जाएगा पंद्रह और सोलह दो दिन इंडोनेशिया में हमारे देश के प्रधानमंत्री थे बाली

प्रिया गुड इवनिंग गुड इवनिंग आरडीएक्स कुंदन कुंदन गुड नाइट गुड नाइट गुड इवनिंग हुआ है बच्चे और गुड इवनिंग जी बिल्कुल बिल्कुल <laughs> बहुत अच्छा आ, तो आप सभी लोग जुड़ जाइए बिल्कुल हेलो प्रिया हेलो हाउ आर यू तो बच्चे जुड़ रहे हैं लगातार और बस थोड़ी ही देर में दो तीन मिनट में हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे आज सेशन आपको दिख रहा है पटना हाई कोर्ट को टारगेट कर रहे हैं कोर्ट के लिए और आप ऐसे इस लेवल के किसी भी एग्जाम्स के लिए आप चाहते हैं कि कम मेहनत करके अपने जनरल नॉलेज को इंप्रूव करें तो ये सेशन कस्टमाइज किया गया है ऐसे ही बच्चों के लिए ऐसे ही कैंडिडेट्स के लिए जो लोग कम समय में अपने जनरल नॉलेज को इंप्रूव करना चाहते हैं इसमें करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन होंगे करंट अफेयर्स के माध्यम से उसके स्टैटिक पार्ट स्टैटिक जीके ऐसी तमाम चीजों को हम लोग इस सेशन के अंदर कवर करने वाले हैं ठीक है आई मतलब मैं श्योर कर रहा हूं कि आप लोगों के लिए सेशन बहुत बेहतरीन होगा बहुत ही बेनिफिशियल होगा एग्जाम ओरिएंटेड होगा तो बिफोर कमिंग टू द क्वेश्चन मैं आपको आ, बताना चाहता हूं कि ये जो आ, ऐप है अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन ऐप को आप लोग डाउनलोड कर लेंगे जिनके पास भी ऐप नहीं होगा आप सभी लोग ऐप को डाउनलोड कर लेंगे ठीक है अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन ऐप पर आपको पता है कि बहुत सारे बेनिफिट है आप यहां से जाकर के डेली क्विजेज अटेम्प्ट कर सकते हैं और आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं बहुत सारे यहां पर वीडियोज के भी लिंक आते हैं इवन हमारे क्लासेस के वीडियोज के भी लिंक है सभी चीजें यहाँ पर अवेलेबल है ठीक है और आपके डेली क्वीज है करंट अफेयर से जॉब अलर्ट से बहुत अच्छी बात यह है कि जॉब अलर्ट भी है आपको जो भी जॉब की जानकारी नहीं मिल पाती इधर उधर से तो यहां पर टोटल एक स्टूडेंट को जो भी रिक्वायरमेंट है तमाम चीजें इस पार्टिकुलर एप्लीकेशन पर अवेलेबल है क्लियर है और दूसरी चीज यह है कि आप में से जो लोग भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल बिहार अंडर ट्वेंटी फोर सेवन क्लियर एक बार शेयर कर देंगे अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स फ्रेंड्स के पास क्योंकि सेशन दो दिन पहले ही स्टार्ट हुआ है तो सूचना सबके पास जानी चाहिए और आपके आ, हमारी एफर्ट्स के साथ साथ आप लोगों का भी एक छोटा सा जो 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 है आप लोग शेयर कर दोगे उससे बहुत सारे लोगों तक पहुंच जाएगा तो चलिए हम लोग सेशन शुरू करते हैं प्रश्नों पर आते हैं यहां पर आ जाएंगे क्वेश्चन पे आ जाएंगे ऑलरेडी बच्चे हमारे जुड़ भी चुके हैं कई बच्चे जुड़ चुके हैं पूजा है कुंदन है प्रिया है ठीक है बहुत बढ़िया आप लोग एक एक करके प्रश्न को देखेंगे आ, सभी प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन होगा यहां पर आपसे पहला प्रश्न क्या पूछा गया है पहला प्रश्न है विच बिजनेस पर्सन वॉज रैंक्ड फर्स्ट इन द फॉर्चून इंडियाज लिस्ट ऑफ इंडिया india's richest for 2022 आपसे पूछा गया है कि 2022 के लिए फॉर्च्यून इंडिया की भारत की सबसे अमीर की सूची में किस व्यवसायी को पहले स्थान पर रखा गया था ठीक है मुकेश अंबानी गौतम अडानी साइरस पूनावाला आदि गोदरेज क्या होगा आपका आंसर आप बताएंगे मुझे गोदरेज इंडस्ट्रीज भी बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है आदि गोदरेज उसके चेयर पर्सन साइरस पुनावाला है गौतम अडानी है मुकेश अंबानी है क्या होगा राइट ऑप्शन आपका क्या है? आप लोग आंसर करिए क्या होगा आपका आंसर ऑप्शन बी आया है प्रिया का प्रिया पूजा कर रही है ऑप्शन बी गौतम अडानी बिल्कुल सही बच्चे आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही है गौतम अडानी को फॉर्चून एक इंटरनेशनल uh, मैगजीन है अमेरिका uh, के द्वारा पब्लिश किया जाता है तो उसका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है एक तो फॉर्चून और एक टाइम्स मैगजीन तो हमेशा जो ये सब रैंकिंग्स होते हैं आपने देखा होगा पावरफुल पर्सन रिचेस्ट पर्सन ऐसी तमाम रैंकिंग टाइम्स मैगजीन है फॉर्चून मैगजीन है इनके माध्यम से किया जाता है तो फॉर्चून मैगजीन में भारत के जो अमीर व्यक्तियों की श्रेणी की जो सूची है उसमें गौतम अडानी एक नंबर स्थान पर है ठीक है आगे आप देखेंगे अगला प्रश्न अडानी की एक नई वेंचर भी शुरू हुई है अडानी की एक नई वेंचर शुरू हुई है वो वेंचर कौन सा है हमारे टेलीकोम्युनिकेशन के बिजनेस में भी अडानी कदम रख चुके हैं तो अडानी का टेलीकॉम कंपनी भी दूर संचार की कंपनी भी है जैसे एयरटेल है आ, वैसे ही अदानी का भी टेलीकॉम बिजनेस शुरू होने वाला है और स्टार्ट भी हो गया है कई जगह लॉन्चिंग भी हो रहा है कई जगहों से तो उन्होंने ऑलरेडी मतलब आ, स्पेक्ट्रम ले ली है तो उनका बिजनेस भी आएगा जैसे एयरटेल होगा और हमारे जियो होगा वैसे गौतम अडानी का भी टेलीकॉम बिजनेस होगा चलिए और बच्चे आप लोग आंसर करिए यहां पर क्या होगा आंसर निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्तीय आपातकाल से संबंधित है आपसे प्रश्न पूछा गया है वित्तीय आपातकाल मतलब फाइनेंशियल इमरजेंसी से संबंधित है तीन प्रकार का इमरजेंसी है आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360 कभी नहीं बोल है जीवन में तीन जो है राष्ट्रीय आपातकाल है ठीक है राष्ट्रीय आपातकाल है तीन सौ छप्पन क्या है तीन छप्पन है राष्ट्रपति शासन राष्ट्रपति शासन और यू कहें तो स्टेट इमरजेंसी स्टेट क्या है स्टेट इमरजेंसी इसके अंतर्गत है और यही है कौन सा ये आपने बच्चों ने आंसर किया है रियांस गुड इवनिंग गुड इवनिंग आप सभी को गुड इवनिंग तो 360 जो है ये फाइनेंशियल इमरजेंसी है क्या है फाइनेंशियल इमरजेंसी वित्तीय आपातकाल ठीक है एमरजेंसी प्रोविजन के अंतर्गत है ये सारी चीजें क्लियर है अब चलते हम लोग अगले पॉइंट पे अगला प्रश्न आपका अगला प्रश्न क्या है अगले प्रश्न पे आएंगे आप लोग अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन अस्तित्व में आया आपसे पूछा गया उन्नीस सौ इकतालीस तैतालीस चौवालीस पैंतालीस क्या पूछा गया है संयुक्त राष्ट्र संघ का स्टैब्लिशमेंट किस में हुआ आपसे पूछा गया है उन्नीस सौ इकतालीस ऑप्शन है तैतालीस है चौवालीस है पैंतालीस है क्या होगा सही आंसर एक बार सेशन को आप लोग शेयर करते जाइए जैसे जैसे जुड़िए सेशन को शेयर भी कर दीजिए सभी बच्चे जुड़ जाए बिल्कुल प्रिया उषा पूजा रजिया बिल्कुल बिल्कुल सही है 1945 फोर्टी फाइव 1945 में ट्वेंटी अक्टूबर ट्वेंटी अक्टूबर जो है इसी को यूएन डे के रूप में माना जाता है क्या माना जाता है यूएन डे संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी ठीक है अब यहां पर दो चार बातें आपको याद रखना है पहली पॉइंट तो ये याद रखना है आपको कि जो जो यूएन शब्द है यूएन जो टर्म है ठीक है इस शब्द को पहली बार किसने क्वाइन किया था मतलब उछाला किसने था अगर प्रश्न प्रश्न पूछा जाए कि उछाला किसने था क्वाइन किसने किया था क्वाइंट बाई तो आंसर करना है फ्रैंकलिन फ्रैंकलिन डी रूजबेल्ट कौन से ईयर में 1942 में ही 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही ऐसा महसूस किया गया कि दुनिया में एक प्रकार की संस्था होनी चाहिए गुड इवनिंग रवि दुनिया में एक प्रकार की संस्था होनी चाहिए जो विश्व शांति एवं सुरक्षा स्थापित करने के लिए काम करे अंतर सरकारीय संस्था अंतर मतलब इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में आ काम करे आ इसलिए इसकी स्थापना की गई थी इंट्रोड्यूस किया गया था टर्म को 1942 में उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे डी डी थे क्लियर है तो रूज के द्वारा इसे इंट्रोड्यूस किया गया था और उस समय क्या था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यह बात आपको याद रखना है ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू यूएन काम क्या करता है यूएन शांति एवं सुरक्षा दुनिया में बहाल करने के लिए काम करता है एम डी जहांगीर गुड इवनिंग आपको तो बिल्कुल सही है यहां पर अब यहां पर आपसे पूछ लिया जाए यूएन के सेक्रेटरी जनरल कौन है सेक्रेटरी जनरल मतलब यूएन के सचिव कौन है तो आप क्या आंसर करोगे एंटोनियो एंटोनियो ग्यूट्रेस है एंटोनियो ग्यूट्रेस कहां के रहने वाले हैं यह है, है फॉर्मर पीएम ऑफ पुर्तगाल पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री हैं वो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिव हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिव हैं ठीक है अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने ही आ गया नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या पूछा गया कि विच इंस्टीट्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्ट ऑफ द इलेक्शन टू द म्यूनिसपलिटीज नगर पालिकाओं के चुनाव के संचालन के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है स्टेट इलेक्शन कमीशन राज्य चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारतीय चुनाव आयोग बोथ ऑफ देन नन ऑफ देन क्या होगा आपसे आपका आंसर बिल्कुल क्या होगा सही आंसर आप लोग मुझे बताएंगे जैसे जैसे जुड़ते जाइए सेशन को शेयर करते जाइए दिस इज थर्ड डे ऑफ द सेशन तीसरा ही दिन है बहुत बच्चे जुड़ गए और लगातार जुड़ते जा रहे हैं बहुत अच्छी बात है और देखिए यहां पर नगर पालिकाओं की जो चुनाव है वो राज्य चुनाव आयोग के अंतर्गत कराया जाता है ठीक है नगर पालिका ही नहीं <laughs> नगर पालिका ही नहीं अगर बात आ जाए स्थानीय निकाय की स्थानीय निकाय से क्या तात्पर्य है आपकी पंचायत चुनाव पंचायत का चुनाव हो या नगर निकायों की चुनाव हो पंचायत की चुनाव हो या नगर निकाय की चुनाव हो नगर निकाय की चुनाव हो ये सभी चुनाव राज्य चुनाव आयोग कराता है कौन कराता है स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराता है रेस्ट ऑल द इलेक्शंस बाकी सारे जो चुनाव होते हैं वो ईसीआई के द्वारा कराया जाता है ईसीआई का मतलब क्या है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मतलब भारतीय निर्वाचन आयोग भारतीय निर्वाचन आयोग संविधान के आर्टिकल किसमें है थ्री जल्दी जल्दी बताएंगे चैट बॉक्स में ठीक है आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां पर है न्यू दिल्ली आप लोग मुझे बताएंगे इलेक्शन का स्थापना कब हुआ था अगर आपसे पूछ लिया जाए चुनाव आयोग का स्थापना कब हुआ तो क्या आंसर करेंगे भारतीय चुनाव आयोग का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था भारतीय निर्वाचन आयोग का स्थापना जो हमारे देश में लोकसभा विधानसभा मतलब सभी इलेक्शंस कराता है किसको छोड़ करके हमारी लोकल इलेक्शन को छोड़ करके मतलब पंचायत व्यवस्था को छोड़ करके सभी चुनाव कंडक्ट कराता है ठीक है इसका स्थापना हुआ था 25 जनवरी कब हुआ था 25 जनवरी 1950 को भारत का निर्वाचन आयोग स्थापित हुआ था क्लियर हो गया इसका सबसे बड़ा अधिकारी होता है उसे कहा जाता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त क्या कहा जाता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त ठीक है मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है अभी वर्तमान में कौन है राजीव कुमार है राजीव कुमार है ठीक है क्लियर है यहां तक तो चलते हम लोग अगले प्रश्न पे अगले प्रश्न पे आ जाइए आप सभी लोग ये देखिए जी बिल्कुल रवि कुमार नेशनल वोटर्स डे होता है बिल्कुल सही 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग स्थापित हुआ था आप यहां पर देखिए करंट के दो बहुत ही शानदार पॉइंट्स लगे हुए हैं इस शानदार पॉइंट्स को पढ़ना है अनीता गुड इवनिंग गुड इवनिंग नेहा भी आ आ चुकी हैं बिल्कुल बढ़िया बहुत सारे बच्चे गए हैं ठीक है यहां पर बताइए कि दो के लिए नोबेल शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया अगर प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता क्योंकि नोबेल पुरस्कार है ठीक है आपसे क्या पूछा गया है यहां पर देखिए 2022 के लिए नोबेल शांति पुरस्कार बेलारूस के मानवाधिकार अधिवक्ता ह्यूमन राइट्स एडवोकेट बियालियास्तकी को ठीक है संयुक्त रूप से तीन तीन संस्थाओं तीन लोगों को दिया गया मतलब दो इसमें संस्थाएं शामिल एक व्यक्ति हैं तो नोबेल का शांति पुरस्कार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आने वाले एग्जाम में ये सौ परसेंट रहेगा ठीक है रिपीट होते हैं ये तीनों चीजें ठीक है यहां पर ऑलरेडी है 2022 के लिए नोबेल शांति पुरस्कार के मानवाधिकार अधिवक्ता क्या है, है? रूस का एक मानवाधिकार संगठन है जिसका नाम है मेमोरियल और यूक्रेन का मानवाधिकार संगठन है जिसका नाम है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को दिया गया प्रश्न में थोड़ा ट्विस्ट करके भी पूछते हैं वो ये पूछ लेते हैं कि इस वर्ष नोबेल का शांति पुरस्कार यूक्रेन के एक संस्था को दिया गया सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज वो संस्था किस देश का है हो गया ना टेढ़ा सवाल किस देश का है तो याद रखना है देश भी आपको पहली बात याद रखना है कि तीन लोगों को संयुक्त रूप से दिया गया है उसमें एक व्यक्ति दो संस्था है एक व्यक्ति कौन है एल एस वियालियास्त की ह्यूमन राइट्स एडवोकेट का नाम है किस देश के रूस के बेलारूस के ठीक है उसके बाद रूस के मानवाधिकार संगठन मेमोरियल है ठीक है और फ्रांस के यूक्रेन के मानवाधिकार संगठन है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज इन तीनों को संयुक्त रूप से 2022 का नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया है ठीक है मानव जो अधिकार के क्षेत्र में इन्होंने अपना अमूल्य योगदान किया है काम किया है इसलिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है बात स्पष्ट हो रही है आप सभी लोगों को बात अगर स्पष्ट हो रही है तो इसे शेयर करते जाइए एक बार एफर्ट लगाइए जैसे ही संख्या सौ से ज्यादा जाएंगी आप समझ जाइए कि बस फिर उसके बाद से सेशन लगातार चलेगा और डेली करेंट अफेयर्स जीके जीएस के महत्वपूर्ण सवाल कम एफर्ट्स में आपको कराए जाएंगे लेकिन संख्या बढ़नी चाहिए अब आपका आप लोग देख लीजिए कि संख्या कितना बढ़ा दोगे, वरना तो मॉर्निंग नौ, नौ से दस में क्लास ले रहा हूं नाइन टू टेन हाई लेवल एग्जाम्स के लिए लेता हूं बीपीएससी की क्लासेस चलती हैं, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं उनको पता ही है तो आप लोग जुड़िए लगातार डेली जुड़िए संख्या थोड़ा सा बढ़ाइए ठीक है नाम टफ है इसलिए तो याद रहेगा आपको नाम टफ है इसलिए टफ वाला पार्ट याद कर लेना कि भाई टफ वाला है ये ठीक है अब यहां पर देखिए साहित्य का 2022 का नोबेल पुरस्कार ये दो पुरस्कार मैंने क्यों लिखा है बच्चे मैं लिखने के लिए तो पूरा लिस्ट लिखता बट पूरा कहानी तो पूरा इंटरनेट पे भी है ये दो जो होते हैं ना एग्जाम के लिए एकदम रामबाण होते एकदम आते ही आते हैं ठीक है तो साहित्य दो का नोबेल पुरस्कार फ्रांसीसी लेखक एनी एनोक्स को दिया गया एनी एरनॉक्स को एनी एरनॉक्स को प्रदान किया गया है साहित्य का 2022 का नोबेल पुरस्कार और फ्रांसीसी फ्रांसीसी लेखक 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 को को दिया गया किस लेखक। हो गया किस स्पष्ट हो तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है आप लोग इसे याद रखेंगे ठीक है और याद रखेंगे याद हो भी गया होगा आपको अगले पॉइंट पे चलते हैं अगला आपका क्या है प्रश्न आपसे पूछा गया है कि विच सिटी हैज बिन नेम्ड द फर्स्ट इन द स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2022। एक ऐसा शहर जो पहली बार ही नहीं लगातार सातवीं बार ठीक है लगातार छह वर्ष पहले भी इनको यह पुरस्कार मिल चुका है ठीक है यहां पर देखिए स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में किस शहर को पहला नाम दिया गया है पहला स्थान मैसूर इंदौर चेन्नई बेंगलुरु ठीक है इसमें दो बेंगलुर के सिटीज यहां पर ऑप्शंस के अंदर दिए गए मैसूर बेंगलुरु चेन्नई इंदौर कौन सा शहर है स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड में पहला स्थान लगातार छह साल से टॉप पर है बिल्कुल जी ठीक है <laughs> तो इंदौर है इंदौर सही आंसर है आप लोग आंसर कर भी रहे हैं बहुत बढ़िया इसी तरीके से आप लोग आंसर करते जाइए ठीक है तो अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न क्या है ये देखते हैं अगला प्रश्न आपके सामने क्या है रिकमेंडेशन ऑफ फर्स्ट फाइनेंस कमीशन कवर्ड विच ऑफ फॉलोइंग पीरियड्स क्या पूछा गया है प्रथम वित्त आयोग की जो सिफारिशें हैं निम्नलिखित में से किस अवधि को शामिल किया गया उन्नीस से छप्पन बावन से संतावन तिरपन से अंठावन चौवन से उनसठ क्या है क्या है आंसर सही आंसर बताएंगे आप लोग इसका आंसर क्या होगा आपसे क्या पूछा गया है आपसे पूछा गया है कि जो पहला वित्त आयोग था फर्स्ट फाइनेंस कमीशन प्रथम वित्त आयोग प्रथम वित्त आयोग वित्त आयोग का आपसे क्या पूछा गया है आपसे पूछा गया है किस अवधि को शामिल किया गया था टर्म जो आपसे पूछा जाता है ठीक है टर्म क्या था यह आप बताएंगे पहली बात आपको पता होना चाहिए यह जो वित्त आयोग है वित्त आयोग का गठन वित्त आयोग का गठन कौन करता है प्रेसिडेंट करते हैं ठीक है संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल अनुच्छेद 280 में शामिल है कितने टाइम के लिए होता है तो पांच वर्षों के लिए होता है ठीक है पहला वित्त आयोग का गठन तो उन्नीस इक्यावन में हुआ था लेकिन इसका जो टर्म पीरियड है उन्नीस से संतावन है ठीक है ऑप्शन यहां पर बच्चे ए बी में यहां पर बी है कोई बात नहीं एक दो तीन चार भी है तो उन्नीस से संतावन ये सही आंसर है प्रथम वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे केसी नियोगी थे केसी नियोगी उनका नाम था अभी वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग है पंद्रहवीं वित्त आयोग है बच्चे अच्छा रहेगा आप लोग लिखते भी रहेंगे साथ के साथ जो भी पॉइंट्स हैं ठीक है आप लिखते भी रहिए जो भी पॉइंट्स है पंद्रहवीं वित्त आयोग ठीक है इसके अध्यक्ष कौन है पूछा जाए तो एन के सिंह है पंद्रहवीं वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है एनके सिंह है क्लियर हो रहा है समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को समझ में आ रहा है तो बताइए तो ये सारा पॉइंट याद रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट है वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करते हैं इसका मतलब क्या है वित्त आयोग, वित आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेंगे वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेंगे ठीक है तो ये तमाम चीजें राष्ट्रपति के अंतर्गत आता है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है यह पूछा गया कि व्हाट इज द मेन व्हाट इज द मेन एम ऑफ द परंपरागत कृषि विकास योजना ये जो योजना है परंपरागत कृषि विकास योजना परंपरागत कृषि विकास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है जैविक खेती को प्रोत्साहित करना उर्वरक खपत को प्रोत्साहित करना सिंचाई में सुधार करने के लिए कृषि विपणन को सुधार करना मतलब एग्रीकल्चर मार्केटिंग को इंप्रूव करना क्या होगा आंसर आपका क्या होगा आंसर आपका मुझे बताएंगे <laughs> देखिए यहां पर सबसे पहली बात तो यह परंपरागत शब्द लगा है तो परंपरागत हमारे देश में जो कृषि होता था उसमें उर्वरकों का तो प्रयोग ही कम होता था ना के बराबर हम मवेशी खाद का प्रयोग करते थे ठीक है और इस तरीके से हम प्राकृतिक तरीके से खेती करते थे तो यह हमारे जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की योजना है परंपरागत कृषि विकास योजना किसके लिए है जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए है ठीक है बाकी चीजें क्या है बाकी चीजें यहां पर अगर मैं पूछूं आपसे एग्रीकल्चर मार्केटिंग की जो सबसे बड़ी संस्था है भारत के अंदर तो उसका नाम है नेफेड क्या नाम है नेफेड नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड क्या नाम है इसका नेशनल एग्रीकल्चर नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यह है नफेड नैफेड एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स की एग्रीकल्चर प्रोक्यूरमेंट की सबसे बड़ी संस्था मतलब कृषि उत्पादों की मार्केटिंग के लिए भारत की सबसे बड़ी संस्था जिसका नाम है नैफेड ठीक है अगले प्रश्न पे चलते हैं अगला प्रश्न आपके सामने आ गया इसमें <laughs> क्या पूछा गया आपसे आपसे पूछा गया कि विच ऑफ दॉलोइंग आर्टिकल एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू कॉल फॉर ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ दी हाउसेस ठीक है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार देता है देखिए हमारे पार्लियामेंट की संयुक्त बैठक इस स्थिति में होती है जब किसी विधेयक को लेकर के दोनों सदनों में गतिरोध की स्थिति हो ठीक है दोनों सदनों में क्या हो गतिरोध की स्थिति हो बात बन नहीं पा रही हो तो वहां पर संयुक्त बैठक होता है उसके अलावा क्या है राष्ट्रपति ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस संयुक्त बैठक अगर करते हैं तो उस सदन की जो अध्यक्षता है आपसे अगर पूछ लिया जाए कभी पर अध्यक्षता कौन करता है तो आपको बताना है लोकसभा स्पीकर लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा स्पीकर ऑफ द लोकसभा ठीक है तो ज्वाइंट सिटिंग जो होता है जी आप लोगों का आंसर आया है रियांस ऑप्शन आर्टिकल एक मुकेश सारिका पूजा ठीक है बिल्कुल बढ़िया प्रिया आर्टिकल 108 के अंतर्गत क्या होता है ज्वाइंट ऑफ द पार्लियामेंट लोकसभा राज्यसभा का ज्वाइंट सिटिंग अब मैंने क्या पूछा कि जब ज्वाइंट सिटिंग होगा संयुक्त बैठक होगा तो उस बैठक का अध्यक्षता कौन करेगा तो अध्यक्षता करेगा लोकसभा के स्पीकर ठीक है तो कई मायनों में लोकसभा स्पीकर और आप कहें तो हमारे आ, जो राज्यसभा है राज्यसभा का सभापति तो उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति स्वयं होते हैं ठीक है एक्स ऑफिसियो मतलब जो देश का उपराष्ट्रपति होगा राज्यसभा का सभापति होगा लेकिन लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर क्या होगा इसको स्पीकर आपके लोकसभा सदस्यों में से एक सदस्य को चुना जाता है क्लियर है यहाँ पर तो उसमें आपको समझना है कि हमारे दो स्थितियां ऐसी होती हैं जहां पर लोकसभा अध्यक्ष की जो भूमिका होती है राज्यसभा के अध्यक्ष की भूमिका से राज्यसभा के अध्यक्ष की भूमिका सभापति की भूमिका से बड़ा माना जाता है जैसे जब धन विधेयक लोकसभा के अंदर पेश किया जाता है तो धन विधेयक में क्या है लोकसभा के अंदर विधेयक धन विधेयक है या नहीं इस पर अंतिम निर्णय लेने का भी अधिकार लोकसभा स्पीकर को होता है और संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता करता है वो भी लोकसभा स्पीकर करता है तो इन दो मामलों से हम ये समझते हैं कि हमारे लोकसभा स्पीकर जो है संसद में पार्लियामेंट में हमारे राज्यसभा सभापति से भी ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है ठीक है ये तमाम चीजें हैं क्लियर तो आर्टिकल एक है अगला प्रश्न आपके सामने ये आ गया अगले प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है केंद्र सरकार का सर्वोच्च सिविल सेवक कौन सा है मतलब आपसे मैं पूछूं कि सबसे बड़ा अधिकारी जो होता है ब्यूरोक्रैट सबसे बड़ा केंद्र सरकार में वो कौन होता है ये आपको आंसर करना है। अटोर्नी जनरल होता है कैबिनेट सेक्रेटरी होता है होम सेक्रेटरी होता है प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द पीएम होता है कौन होता है ठीक है आप लोग आंसर करिए क्या होगा आपका आंसर आपसे प्रश्न को पहले ध्यान से समझिए क्या पूछा गया है केंद्र सरकार का सर्वोच्च सिविल सेवक कौन है मतलब क्या सबसे बड़ा ब्यूरोक्रेट कौन है आपसे पूछा गया है आंसर आने शुरू हो गए हैं सोनू का ऑप्शन बी है पॉसिबल ऑप्शन बी रिद्धि का ऑप्शन है ए सारिका का ऑप्शन है बी ठीक है आप सभी बच्चे जिन्होंने भी ज्वाइन किया है मैं आपको बताना चाहता हूं कि सुबह नौ से दस की भी क्लास होती है आप में से जो लोग उस क्लास में भी समय मिले तो ज्वाइन करिए और देखिए पढ़िए नाइन टू टेन वहां पर स्पेशली पॉलिटी इकोनॉमिक्स की क्लास होती है ठीक है यहां पर क्लास है ये एम सी क्यूज है मिक्सड है और इसमें करंट अफेयर्स भी इंक्लूड है ठीक है इस सेशन को भी पढ़िए देखिए ध्यान से ठीक है और सेशन को शेयर वगैरह करते रहिए ठीक है अभी शाम का सेशन मैंने आज ही दो दिन से शुरू किया है तो ये थोड़ा सा इसका इंफॉर्मेशन फैलाना ज्यादा जरूरी है ठीक है अब यहां पर देखिए कैबिनेट सेक्रेटरी जो है कैबिनेट सचिव होते हैं भारत के सर्वोच्च सिविल सेवक होते हैं मैं आपको बताऊं कि सर्वोच्च सिविक सिविल सेवक जो है इनकी जो सैलरी होती है इनकी सैलरी होती है ढाई लाख कितना होता है ढाई लाख सैलरी है ओके okay. अब मैं बताना चाहता तो हूं महान्यायवादी है यह सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं फर्स्ट लीगल ऑफिसर क्या होगा फर्स्ट लीगल ऑफिसर अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे देश का प्रथम विधि अधिकारी क्या पूछा जाए प्रथम विधि अधिकारी प्रथम विधि अधिकारी कहने का मतलब कानून की दृष्टि में कानूनी मतलब लीगल ऑफिसर जो होगा भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होगा मतलब भारत सरकार का जो सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट्स के अंदर जो एडवोकेट होता है जो गवर्नमेंट का अपना एडवोकेट जो सरकार के पक्ष को न्यायालय में रखता हो उसी को क्या कहा जाता है उसी को कहा जाता है विधि अधिकारी अटॉर्नी जनरल जो अभी वर्तमान में कौन है आर वेंकट रमनी आर वेंकट रमनी है भारत के विधि अधिकारी अटॉर्नी जनरल ठीक है उसके बाद होम सेक्रेटरी लिखा हुआ है होम सेक्रेटरी क्या होता है हमारे देश का जो मंत्रालय है एमएचए एमएचए का मतलब क्या होता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसे हम कहते हैं गृह मामलों का मंत्रालय गृह मामलों का मंत्रालय इसका मतलब यह है कि हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा नागरिकता से जुड़े हुए प्रावधान आंतरिक सुरक्षा सब इसके अंतर्गत आता है इंटरनल सिक्योरिटी और इसलिए भारत के जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं सैनिक बल हैं सभी सैनिक बल किसके अंतर्गत आएंगे अर्ध सैनिक बल पैरा मिलिट्री फोर्सेस पैरा मिलिट्री फोर्सेस ये आता है होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत किसके अंतर्गत होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है ठीक है और होम सेक्रेटरी होते हैं यह भारत के सबसे बड़ा आईपीएस अधिकारी होता है मतलब सीनियर मोस्ट आईपीएस क्या होगा सीनियर मोस्ट आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस का सबसे बड़ा अधिकारी को ही होम सेक्रेटरी बनाया जाता है ठीक है यहां तक क्लियर हो गया पैरामिलिट्री फोर्सेस आप समझते हैं हमारे देश के अंदर सीआईएसएफ सीआरपीएफ बीएसएफ ये तमाम किसके अंतर्गत आते हैं ये होम मिनिस्ट्री मतलब आर्म फोर्सेस को अगर हम हटा दें आर्म फोर्सेस नेवी फोर्स आर्मी इसके अलावा जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं चाहे वो सी है एस है आई है या आपके सीआरपीएफ uh, है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है ये सब किसके अंतर्गत आते हैं सब गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं ये अर्ध सैनिक बल है क्लियर हो रहा है आप सभी लोगों को अगले प्रश्न पे आइए अगला प्रश्न क्या है अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूछा गया आपसे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज की स्थापना का प्रावधान है आपसे पूछा गया है कि किस आर्टिकल में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है ठीक है आप लोग आंसर करिए इसका जल्दी से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी बार बार रिपीट होता है एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है कि हमारे जो मूल संविधान ओरिजिनल जब हमारा संविधान है उसके अंतर्गत ऑप्शन आया रियांस का 40 ठीक है उषा का 40 प्रिया का 40 आरती सी फोर्टी ठीक है पूजा ऑप्शन सी कर रही है बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग ठीक है बच्चे तो चलिए मैं बता देता हूं आर्टिकल 40 है आर्टिकल 40 क्या है सबसे पहली बात तो ये समझना है हमारे संविधान के अंदर जो डीपीएसपीज़ हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत है वो 36 से लेकर के इक्यावन तक है आर्टिकल 36 टू लेकर 51 ये आर्टिकल है और इसमें ऐसा प्रावधान किया गया है जो एनफोर्सिएबल नहीं है मतलब कोर्ट के द्वारा लेकिन सरकार ऐसा प्रयास करेगी हमारे देश की हम कह सकते हैं कि हमारे देश की शासन व्यवस्थाओं को और भी सुदृढ़ और ठीक ठाक बनाने के लिए ऐसी प्रयास सरकार करेगी ऐसा है डीपीएसपी के अंदर तो यहां पर आर्टिकल 40 के अंदर ऐसा प्रावधान था कि हमारी सरकार ग्राम पंचायत को का गठन और उसकी मजबूती प्रदान करने के लिए अपनी योजना लाएगी इसके लिए प्रावधान करेगी और इसी संदर्भ में आपको पता है कि तिहत्तरवा संविधान संशोधन सेवेंटी थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो पास किया गया 1992 में इसी के मुताबिक पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया क्या दिया गया संवैधानिक दर्जा दिया गया और चौहत्तरवा संविधान संशोधन में क्या है यह अर्बन लोकल बॉडीज है यह अमेंडमेंट एक्ट क्या है इससे जुड़ा हुआ क्या है यह शहरी निकायों के लिए है शहरी निकायों नगर निकायों से जुड़ा हुआ है और यह दोनों ही किसका उदाहरण है स्थानीय स्वशासन का किसका एग्जाम्पल है स्थानीय स्व शासन का मतलब हमारे केंद्र और राज्य के अलावा नगर निकाय और पंचायती राज व्यवस्थाएं भी होती हैं हमारे देश के अंदर ठीक है तो नगर निकाय भी पंचायती राज व्यवस्था भी हमारी होती है स्थानीय स्वशासन हमारे आपसे प्रश्न पूछा जाए इसे कहा जाता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या कहा जाता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ठीक है और आपसे कभी पूछा जाए स्थानीय स्वशासन का जनक क्या पूछा जाए स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है क्या आंसर दोगे आप लोग फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट फादर ऑफ सेल्फ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या होगा आपका आंसर मुझे आंसर करके बताइए ठीक है स्थानीय स्वशासन का जनक <clears throat> तो देखिए हमारे पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था हमारे देश के अंदर शक्तियों का विकेंद्रीकरण करना जो शक्तियां केंद्र और राज्य के पास से निहित थी स्थानीय मुद्दों को स्थानीय समस्याओं को का सॉल्यूशन स्थानीय लोकल एरिया की जो प्रॉब्लम्स थी उसके लिए उसके निराकरण के लिए कोई व्यवस्थाएं नहीं थी सरकारी योजनाएं ऊपर से अगर बन रही हैं तो गांवों तक कैसे लागू होगा जब तक स्थानीय निकाय उसके अंदर नहीं रहेंगे तो स्थानीय निकायों को मजबूती देना या स्थानीय निकाय का ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है ठीक है तो ये जो स्थानीय निकाय है इसका जनक कहा जाता है लॉर्ड रिपन को किसको कहा जाता है लॉर्ड रिपन को लॉर्ड रिपन ने स्थानीय लोकल जो सेल्फ गवर्नमेंट से रिलेटेड जो रिजोल्यूशन था 1882 में ये प्रस्ताव रखा था ठीक है 1882 में और इसीलिए स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है लॉर्ड रिपन को आर्टिकल 40 में ये डिफाइन है डीपीएसपी में और डीपीएसपी के कुछ प्रमुख आर्टिकल्स जैसे समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 में है विदेशों के साथ संबंध अच्छे हो आर्टिकल 51 है तो ऐसे तमाम आर्टिकल्स आपको याद रखने पड़ते हैं अगले प्रश्न पे आप आप लोग आएंगे अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है द्वारा विनियमित होता है एक संस्था है ठीक है आईआरडीए संस्था किसको रेगुलेट करता है ये आपसे पूछा गया है रेगुलेट कौन से इंडस्ट्री को करता है इंश्योरेंस को इंडस्ट्री को फाइनेंस को इन्वेस्टमेंट को मतलब ये बीमा क्षेत्र को औद्योगिक उद, क्षेत्र को वित्तीय क्षेत्र को निवेश के क्षेत्र को यह क्षेत्र क्या है निवेश का क्षेत्र है ठीक है यह क्षेत्र है वित्तीय क्षेत्र वित्त यह है उद्योग ठीक है और यह क्या है बीमा का क्षेत्र आप मुझे बताएंगे कि किस क्षेत्र को आई रेगुलेट करता है प्रश्न का जवाब दीजिए कि आई किस सेक्टर को रेगुलेट करता है रियांस का आंसर आ गया ऑप्शन ये है ठीक है बहुत बेहतरीन प्रश्न आगे आने वाले हैं एक एक करके तो लगातार आप लोग बने रहिएगा सेशन के लास्ट तक टोटल क्वेश्चंस देखिए जितना मैं कराऊं ठीक है बिल्कुल आंसर आया हुआ है रियांस सारिका राहुल राहुल सी कर रहे हैं बाकी ए कर रहे हैं बी कर रहे हैं पॉसिबल नेहा का ऑप्शन ए है अनिता का ऑप्शन ए है ठीक है पूजा का ऑप्शन ये है बाकी लोग आंसर करिए बिल्कुल सही जिनका भी ऑप्शन ये है बिल्कुल सही है देखिए आईआरडीए क्या है आईआरडीए स्टैंड्स फॉर इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट ऑथोरिटी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट ऑथोरिटी इट मींस व्हाट बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण हमारे देश में जैसे बैंकिंग क्षेत्रों को रेगुलेट करता है भारतीय रिजर्व बैंक हमारे शेयर बाजार को रेगुलेट करता है सेबी भारतीय जो प्रतिभूति विनिमय बोर्ड है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है टेलीकॉम सेक्टर को रेगुलेट करता है ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया बीम, हमारे जो पेंशन का क्षेत्र है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी पीएफआरडीए है ये सारे रेगुलेटरीज बॉडीज हैं कौन कौन से जैसे आरबीआई बैंक का रेगुलेटर है ठीक है हमारे सेबी जो है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ये शेयर बाजार का मतलब कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर है ठीक है इसके अलावा अगर हम बात करें टेलीकॉम सेक्टर का रेगुलेटर है ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये कौन से सेक्टर को रेगुलेट करता है टेलीकॉम दूर संचार के क्षेत्र को रेगुलेट करता है ठीक है इसके अलावा अगर हम बात करें पी एफ आर डी ए पी एफ आर डी ए ये पेंशन के क्षेत्र को रेगुलेट करता है पेंशन क्षेत्र को रेगुलेट करता है क्लियर हो गया इसी तरीके से बीमा के क्षेत्र को रेगुलेट कौन करता है आई आर डी ए ठीक है आईआरडीए जो अधिनियम पारित किया गया था एक्ट वो 1999 में पारित किया गया था और आईआरडीए संस्था का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2000 में और आईआरडीए का मुख्यालय जो है वो हैदराबाद में है ठीक है हैदराबाद में देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि दो प्रमुख संस्था हैदराबाद में है जब भी आप किसी संस्थाओं का मुख्यालय को आप पढ़ोगे ना तो आप ऐसे डिवाइड करके पढ़िए आप आपके माइंड में आप सोचिए कि हैदराबाद में कौन सा है बेंगलोर में कौन सा है यहां बैठे बैठे दिल्ली में कौन सा है इस तरीके से आपको याद रहेगा डिफरेंसेस पता चल जाएंगे ठीक है अगर बहुत सारी फाइनेंशियल एजेंसीज की बात करें जैसे सेबी हो आरबीआई हो या बहुत सारे बैंक्स हो इन सबका मुख्यालय तो ऑलरेडी uh, मुंबई में है इसलिए फाइनेंशियल कैपिटल भी कहा जाता और हमारे देश की दो संस्थाएं तीन पर, प्रमुख संस्थाएं हैदराबाद है में है एक तो जैसे आई का मुख्यालय पूछा जाए बीमा बीमा क्षेत्र का रेगुलेटर है इसका मुख्यालय हैदराबाद है, है एक संस्था एस पी

रूरल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ एक संस्था है ठीक है ग्रामीण विकास से जुड़ा हुआ एक संस्था है वो ये तीनों संस्थाएं जो है वो ये आपके हैदराबाद में है ठीक है और इसके अलावा मुंबई और दिल्ली दिल्ली में ट्राई का मुख्यालय दिल्ली में है ठीक है इसको याद रखेंगे अगले प्रश्न में हम लोग चलेंगे अगला प्रश्न आपके सामने क्या है ये है विच अमंग द फॉलोइंग नॉट अ कोर सेक्टर इंडस्ट्री इन आई आई पी कैलकुलेशन आपसे पूछा गया कि आई आई पी गणना में निम्नलिखित में से कौन सा एक मुख्य उद्योग नहीं है पूछा गया नहीं आई आई पी में इसे नहीं कैलकुलेट किया जाता देखो जिसको समझ में नहीं आया होगा वो उसको मैं बताऊंगा ये आई आई पी है क्या ठीक है आप पहले आंसर करिए आपको जिसको भी पता है कुछ आइडिया है तो आंसर करिए नहीं तो मैं एक्सप्लेन करता हूं सबसे पहली बात यह है कि जो आईआईपी है आंसर मैं देख लेता हूं आप सभी लोगों का आरती का ऑप्शन सी है प्रिया का सी है राजिया बानो ऑप्शन सी है पॉसिबल बी है अनीता का ऑप्शन सी है ठीक है एक्सप्लेन कीजिए बिल्कुल करूंगा प्रिया थोड़ी देर रुक जाओ जी कोई बात नहीं कोई आइडिया नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है क्लास किस लिए कर रहे हो सीखने के लिए कर रहे हो मैं बताने वाला हूं आपको इसमें जो कोर सेक्टर इंडस्ट्री में कौन सा शामिल नहीं है यहां पर आंसर होगा ऑटोमोबाइल ये शामिल नहीं है बाकी सभी कोर सेक्टर में शामिल है ठीक है अब यहां पर देखिए आई है क्या आई का मतलब होता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या मतलब है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हमारे देश में जो प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र हैं इसे कहा जाएगा, जाएगा हिंदी में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक तो हमारे देश के जितने भी उद्योग हैं उनमें से आठ उद्योगों को कितने उद्योगों को आठ उद्योगों को इस श्रेणी में रखा गया है जिसे कहा जाता है प्रमुख उद्योग भारत के अंदर जो प्रमुख उद्योग है वो कितने हैं आठ है उन आठ उद्योगों में अगर उत्पादन अधिक होगा तो ये जो आईआईपी जो होगा ना आईआईपी बढ़ेगा आईआईपी इंक्रीज होगा जैसे पूरे देश के अंदर उत्पादन बढ़ता है तभी तो देश का जीडीपी बढ़ता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है आपके देश का जब देश का पूरा जी बढ़ेगा इसका मतलब उत्पादन बढ़ा हुआ है पूरे देश के अंदर समझ में आ रहा है अरे बात बुझाइल कि ना ब्रजेश गुड इवनिंग ब्रजेश ठीक है अगर बुझा गई लो तो चला जा इसके आधे के कोर सेक्टर इंडस्ट्री कौन कौन सा आठ है आठ है. में से कौन कौन सा है एक तो है क्रूड ऑयल क्रूड ऑयल कच्चे तेल है ऑयल रिफाइनरी है उसके बाद है नेचुरल गैस उसके बाद सीमेंट है स्टील है ठीक है कितने हो गए एक दो तीन चार पांच बाकी कौन सा हो गया कोल छठा सातवा क्या इलेक्ट्रिसिटी आठवा क्या फर्टिलाइजर ठीक है तो ये आठ उद्योग हो गए हमारे देश के जिसे कोर सेक्टर इंडस्ट्री भी कहा जाता है बच्चे रवि पूछ रहे हैं किसका भाई है भाई ये जीके जीएस आपके वन डे एग्जाम्स के लेवल का यहाँ कराया जाता है इससे आप लेवल करना है तो सुबह नौ बजे मिलिए उसका खुराक नौ से दस सुबह में है और ये उससे नीचे के लेवल के एग्जाम का वन डे एग्जाम सभी कवर होंगे इसके अंदर ठीक है जीके जीएस जी एस स्पेशल फोकस किस पे होगा आपके मिक्स एमसीक्यूज़ होंगे जीके जी एस के करंट अफेयर्स पे इसके अंदर शामिल किया गया है एक घंटा आप टाइम दीजिएगा बेनिफिट काफी मिलेगा कम समय में आपका इंप्रूवमेंट दिखेगा आपको अपने आप दिखेगा तो इसके साथ आप जुड़ सकते हैं लगातार डेली पांच बजे ठीक है पांच बजे क्लासेस होती हैं तो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आई के अंदर कोर सेक्टर इंडस्ट्री प्रमुख उद्योग कितने हैं आठ हैं ऐसे सवाल आपके आपसे पूछा जाएगा ठीक है अब यहां पर देखिए आपसे क्या पूछा गया है व्हाट इज द मेन बेसिस फॉर एलोकेशन ऑफ सीट्स टू द वेरियस स्टेट्स इन द लोकसभा आपके लोकसभा में लोकसभा में विभिन्न राज्यों को सीटों के जो आवंटन है उसका मुख्य आधार क्या है किस आधार पर सीटों का आवंटन होता है जैसे हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो अस्सी है आपके बिहार की बात करें तो 40 है तो किस आधार पर गुजरात की बात करें तो 31 है किस आधार पर लोकसभा की सीट निर्धारित होता है इसका आप आंसर करेंगे ऑप्शन ए बी सी डी क्या होगा ऑप्शन नेहा ऑप्शन ए प्रिया आ, नेहा का ऑप्शन ए है सोनू का कर रहे हैं ऑप्शन ए रियांश ए रियांस पॉपुलेशन बिल्कुल सारिका ऑप्शन ये मुकेश पॉपुलेशन उषा सारिका जी बिल्कुल आबादी के हिसाब से करते हैं जनसंख्या के आधार पर करते हैं ठीक है आबादी के आधार पर करते हैं और इस चीज के लिए कमीशन बनाया जाता है जिसे कहा जाता है डेलिमिटेशन कमीशन परिसीमन आयोग इसे कहा जाता है परिसीमन आयोग के आधार पर क्या होता है कई बार क्षेत्रों को एक से दो बनाया जाता है आपने देखा होगा लोकसभा क्षेत्र में बढ़ोतरी किया जाता है ये किस आधार हो पर होगा जनसंख्या के आधार पर होगा और ये जो आयोग फैसला लेता है इस पर उसका परिसीमन आयोग है अरे मुकेश परेशान क्यों हो बिल्कुल हो आप क्लास में ही हो आगे चलिए आप लोग अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया आरईसी लिमिटेड बिकम्स फिलिंग द ब्लैंक्स महारत्ना कंपनी आरईसी लिमिटेड e. महारत्न कंपनी बन गई है दसवीं बारहवीं ग्यारहवीं पंद्रहवीं आपका आंसर क्या होगा क्या होगा आपका आंसर बच्चे फटाफट जल्दी जल्दी बताइए बस समय बचा हुआ है पांच दस पांच दस मिनट बचा हुआ है जल्दी जल्दी बताएंगे आप लोग आपसे क्या पूछा गया आरईसी लिमिटेड बिकम्स महारत्ना कंपनी कौन सी महारत्ना कंपनी बनी है क्या है यह महारत्ना कंपनी क्यों बार बार आपके प्रश्न में आता है और क्यों बार बार आपको इसको समझ में नहीं आता है भाई ये है क्या तो आज समझ में आ जाएगा आज के बाद दोबारा जीवन में कभी नहीं भूलोगे इसके बारे में ठीक है अब यहां पर ध्यान से देखिए आपका आंसर देख लिया सभी बच्चों का ठीक है सभी का आंसर देख लिया ये जो है आंसर इसमें ऑप्शन बी सही है बारहवें महारत्न कंपनी अब यहां पर देखिए यहां पर थोड़ा सा थोड़ा देर कंसंट्रेट होकर के एक को भी इधर उधर हिलना नहीं है कहीं तो नहीं खे जाए कि एकदम ध्यान लगा एक कहा ठीक बा तो यहां देखिए जब भी बात आए पीएसयू पीएसयू का मतलब होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग क्या मतलब होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अंडरटेकिंग्स आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शंस दिया जाता है पब्लिक सेक्टर यूनिट पब्लिक सेक्टर कुछ कुछ फल्ला डिकरा तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का मतलब होता है सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम क्या मतलब होता है सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम सार्वजनिक क्षेत्र कहने का मतलब यह सरकारी क्षेत्र है निजी क्षेत्र का मतलब हो गया प्राइवेट सेक्टर और यह सरकारी छेक... सरकारी सेक्टर है तो सार्वजनिक का उपक्रम है मतलब क्या मिनिमम मिनिमम शेयर, शेयर किसके पास होगा गवर्नमेंट के पास होगा कम से कम इक्यावन प्रतिशत शेयर ऐसे कंपनियों में सरकार के पास होगा क्लियर हो रहा है अगर क्लियर हो रहा है तो एक बार थोड़ा सा शेयर कर दो भाई थोड़ा फैलाओ इसको कि कल से बच्चे पूरा हो जाए सौ की तादाद में ठीक है तो यहां पर देखिए पीएसयूज को तीन भागों में बांट दिया गया है जो पीएसयूज है इसी को सी जेड -E भी कहा जाता है क्या कहा जाता है इसी पीएसयू को सी पी एस ई जेड कहा जाता है इसका मतलब क्या हुआ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस क्लियर हो गया सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम क्लियर है यहां पर अब इसको तीन भागों में बांट दिया गया सरकार ने कहा कि जिसका जितना औकात है किसका कंपनी का हम लोग की बात नहीं हो रही है मतलब कंपनी जितना बड़ा है उसके हिसाब से उसको बांट दो बांटने में तीन भागों में बांट दिया तीन कैटेगरी एक को कहा गया महारत्ना क्या कहा गया महारत्ना का दर्जा दे दिया एक को दे दिया नौ रत्ना का दर्जा नौ रत्ना का दर्जा एक को क्या दे दिया मिनी रत्ना का दर्जा मिनी रत्ना जैसे सरकार की छोटी छोटी कंपनियां जैसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ठीक है आईआरसीटीसी है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन आपने सुना होगा टिकट बुक करते हो आईआरसीटीसी पे तो आईआरसीटीसी भारत सरकार की एक अलग सेपरेट कंपनी है वो रेलवे के अंडर नहीं है रेलवे इज डिफरेंट कंपनी आईआरसीटीसी क्या है एक रेलवे की अदर मिनी रत्ना कंपनी है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो एयरपोर्ट को मैनेज करती है यह सब मिनी रत्ना है लेकिन महारत्ना नवरत्न रत्ना ये तीन को कैटेगरी होता है किसका हमारे सार्वजनिक क्षेत्र की सरकारी कंपनियों का। अब बात यहां पर सबसे बड़ी कंपनी है सबसे ज्यादा प्रॉफिट भी, भी, भी थोड़ी कम है, बाकी तो बहुत है यहां से सवाल पूछा जाता है महारत्ना से तो महारत्ना कंपनियां कौन कौन सी हैं इसको याद करने के लिए शॉर्टकट है ऐसे याद रखोगे ओ एन जी सी एस बी आई बी ठीक है बी डबल पी एच आर ठीक है इसको याद रखोगे होंगे ठीक है ओ एन जी सी एस बी आई बी डबल पी एच आर यहां पर बी एक बी को हटाना पड़ेगा यहां से ठीक है यहां देखिए एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह हो गया तो ये जो आर है आर को ही रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन लिमिटेड कहा जाएगा क्या कहा जाएगा रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन लिमिटेड ठीक थी। है तो यहां पर यह बारहवा महारत्ना कंपनी बना है अब हाँ यहां देखिए ओ फॉर ओ एन जी सी ओ फॉर ओ एन जी सी एन फॉर एन टी पी सी जी फॉर गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सुना होगा सी फॉर कोल इंडिया लिमिटेड एस फॉर सेल बी फॉर बी पी सी एल आई फॉर आईओ सी और बी है यह क्या है आई फॉर आईओ सी हो गया यहां पर यह बी है भेल क्या है भेल और एक जो पी है यह है पी एफ सी ठीक है एक जो पी है यह है पीजीसीआईएल एच है एचपीसीएल और आर क्या है आरई सी क्लियर हो गया ये महारत्ना कंपनीज हैं यहां पर देखिए ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन गैस ऑथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड कोल इंडिया लिमिटेड स्टील ऑथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन भारत हेवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड ठीक है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन ये तमाम कंपनियां हैं महारत्ना कंपनी भारत की अब मैं क्या बताया कि ये बार बार परेशान करता है आपको है क्या ये महारत्ना तो आइए देखते हैं क्या है आइए देखते हैं महारत्ना क्या है पहली बात थोड़ा परिचय मैं दे दू आरई के बारे में आर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन एक एनबीएफसी है यह नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है लेकिन यह केवल और केवल पावर सेक्टर के अंदर काम करने वाले कंपनियों को लोन देने का काम करती है जैसे हम लोग कार लोन लेने जाते हैं हाउसिंग लोन लेने जाते हैं ना अलग अलग फाइनेंस कंपनियों से टाटा फाइनेंस मुथूट फाइनेंस फलाना डिकरा बहुत सारी फाइनेंस कंपनियां हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी कहा जाता है उसे गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां वैसे ही हमारे देश के पावर सेक्टर कंपनियों को लोन देने का काम जो संस्था करती है वो एनबीएफसी एक बहुत बड़ा एनबीएफसी है तभी तो महारत्ना कंपनी है महारत्ना की श्रेणी में इसे रखा गया है ये कंपनी कौन सी है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन लिमिटेड ठीक है स्पष्ट हो गया अब यहां पर देखेंगे आप महारत्ना कंपनी महारत्ना का जो दर्जा है महारत्ना स्टेटस का मतलब क्या है महारत्ना का जो दर्जा है कंपनी को जो दिया जाता है जिसका एन्युअल टर्नओवर 25,000 करोड़ पिछले तीन वर्षों तक रहा हो टर्नओवर कितना रहा हो 25,000 करोड़ का इसने बिजनेस किया हो पिछले तीन वर्षों में ठीक है उसके बाद एनुअल नेटवर्थ ड्यूरिंग द प्रीवियस थ्री ईयर पिछले तीन वर्ष तक इसका नेटवर्थ पंद्रह हजार करोड़ का रहा हो और इसका जो प्रॉफिट रहा हो लगातार लगातार तीन वर्षों तक पंद्रह हजार करोड़ का प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट पंद्रह हजार करोड़ का मतलब किसी साल छह हजार करोड़ हो किसी साल चार हजार किसी साल पांच हजार मतलब औसत एक वर्ष में ऐसी कंपनी की जो प्रॉफिट है है लाभ लाभ करोड़ का लगातार तीन वर्षों तक रहे ठीक है ये तीन कंडीशन है और टर्नओवर ओवर पच्चीस हजार करोड़ नेटवर्थ पंद्रह हजार करोड़ तब जाकर के क्या होगा तब जाकर के पांच तब जाकर उसे महारत्ना का दर्जा दिया जाता है ठीक है महारत्ना का जब दर्जा मिलता है तो वो कंपनी अपने नेटवर्थ का पंद्रह परसेंट या पांच हजार करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट बिना हमारे सरकार के प्रपोजल से कर सकते हैं ठीक है ये तमाम चीजें इसके अंदर अगला प्रश्न आपके सामने क्या है अगला प्रश्न आ गया आपके सामने बच्चे वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के बारे में पूछा गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट है विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है वर्ल्ड बैंक है आईएमएफ है एडीबी है डब्ल्यू है डब्ल्यूफ क्या है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विश्व आर्थिक मंच ठीक है विश्व आर्थिक मंच एडीबी क्या है एशियन डेवलपमेंट बैंक है एशियाई विकास बैंक आईएमएफ क्या है इंटरनेशनल इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है और वर्ल्ड बैंक क्या है यह है विश्व बैंक ठीक है आप लोग आंसर करिए क्या होगा आंसर आपसे पूछा गया है कि विश्व आर्थिक आउटलुक वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है बच्चे पूछ रहे लाइव क्लास कितने बजे होता है भाई ये लाइव क्लास ही चल रहा है पांच बजे से शाम छह बजे तक ठीक है मतलब पांच बजे शुरू हुई और छह बजे तक खत्म हो जाएगी, ठीक है और सुबह में नौ बजे से लेकर के दस बजे तक ठीक है दोनों सेशन में फर्क यही है कि ये बीपीएससी या हाई लेवल एग्जाम्स के लिए है हालांकि आप अपना सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स पॉलिटी यहां भी आके कर सकते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेनेशन चलता है डिटेल चलता है इन डेप्थ चलता है और यहां पर आप मिक्सड जी के जीके जी के करंट अफेयर्स इत्यादि आप इंप्रूव कर सकते हैं ठीक है और ये सेशन भी चलेगा आपके स्नेह से आप अगर देखते रहेंगे अच्छे से पढ़ते रहेंगे आपको फायदा मिलेगा तो आपके फायदे से ही हमारा जो है एफर्ट जुड़ा हुआ है कि हम उतना ही एफर्ट लगाएंगे कि आपको और भी बेनिफिट हो और भी संख्या में बच्चे जुड़ पाए और इसका लाभ ले पाए ठीक है तो ये जिसका जो आंसर होगा बच्चे आप लोग मुझे बताएंगे क्या होगा आंसर इसका आंसर बच्चों ने आईएमएफ दिया है बिल्कुल सही है आईएमएफ ही आंसर होगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है स्थापना कब हुआ 1945 में हुआ था ठीक है 1945 में स्थापित हुआ था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसका मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी में वॉशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है आईएमएफ के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रबंध निदेशक का नाम है क्रिस्टलिना क्रिस्टलीना लीना, लीना जियोर्जीवा जी नाम है ठीक है क्रिस्टलिना जियोर्जीवा जी नाम है एमडी और जो डेप्यूटी एमडी है वो आपको जानकर के खुशी होगा कि वो भारतीय हैं उनका नाम है गीता गोपीनाथ मतलब ये जो मैडम है ना ये गीता गोपीनाथ है गीता गोपीनाथ है अभी इंडोनेशिया में जी ट्वेंटी का जो समिट चल रहा है ये भी वहाँ पर गई हुई है। इंडोनेशिया के जी ट्वेंटी सम्मेलन जो हो रहा है बाली में मोदी जी वहां गए हुए हैं वो वहां ये भी, प्र, भी प्रेजेंट है ठीक है क्लियर हो रहा है आप सभी लोगों को अब मैं आप सभी लोगों को कुछ सूचना देना चाहता हूं कि आप में से जो लोग भी किसी भी बैच को ज्वाइन करके प्रिपरेशन करना चाहते हैं खासकर अगर हम बात करें अगर आप ट्रांसलेटर की बैच लेना चाहते हैं ठीक है, है? ट्रांसलेटर की बैच लेना चाहते हैं हाई को ट्रांसलेटर का बैच भी शुरू हो रहा है बाईस नवंबर से कब हो रहा है बाईस नवंबर से ठीक है फीस देखिए यहां ज़्यादा है लेकिन आप क्या करोगे मेरा कूपन कोड जो मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूं उससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और वो कूपन कोड क्या है कूपन कोड यहां पर है Y645 सौ आप लोग देखेंगे ये है Y645 सौ यहां पर Y645 सौ मैंने अप्लाई किया है तो ये फीस घट करके कितना हो गया आठ सौ रुपया हो गया एट ठीक है इसमें हिंदी इंग्लिश और जीके की क्लासेस होंगी ये हाईकोर्ट की क्लास है इसके अलावा भी आप किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं ठीक है कोई भी कोर्स ले रहे हैं ठीक है ऐप पर आप जाइएगा और वहां जाकर के बिहार से रिलेटेड कोर्स है तो बिहार में जाकर के सर्च करिए और किसी भी एग्जाम्स पे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं कोर्स आप एनरोलमेंट करवा सकते हैं और एनरोलमेंट कराने से आपको वहां पर जो डिस्काउंट कूपन कोड मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूं वाई छे सौ इसको लगा करके आप क्या करिएगा उसे एनरोल कराइएगा आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा ठीक है मैक्सिमम अवेलेबल डिस्काउंट आपको इस कोड से मिल जाएगा अगर कोई आप टेस्ट बुक्स इत्यादि लेना चाहते हैं तो 645 सौ पैंतालीस वाई एस लगाइएगा ये बुक्स के लिए है बुक्स प्लस टेस्ट के लिए ठीक है तो विस यू ऑल दी बेस्ट सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए कल मिलते हैं कल फिर सेशन होगा सुबह नौ से दस होगा वो लोग तो जुड़ेंगे ही फिर शाम को पांच से छह आप लोगों को कैसा लग रहा है सेशन क्या आपके लिए बेनिफिशियल है सेशन लगातार चलना चाहिए तो मुझे एक बार बताइएगा कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा चैट बॉक्स में भी बताइए कि सेशन चलना चाहिए आपके लिए लाभदायक है तो ये लगातार चलते रहेगा आप लोग सेशन को एक बार थोड़ा स्प्रेड करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा इसको फैला दीजिए सभी लोग ज्वाइन करें उनको बताइए कि इसमें जो है लेवल एग्जाम ओरिएंटेड जो है वन डे एग्जाम सभी कवर होंगे चाहे वो किसी भी चीज़ का एग्जाम से आप तैयारी कर रहे हैं वो सब इसमें आपको मैक्सिमम बेनिफिट होगा सबका एक अपना कंटेंट डिलीवरी होता है सबका एक अपना स्पेसिफिक एरिया होता है तो इसलिए हर सेशन में कहीं ये नहीं बोल रहा हूं कि कोई सेशन खराब है कोई अच्छा है बट यहां पर हमारे साइड से जो कंट्रीब्यूशन हो सकता है आपके सक्सेस में आपके एग्जाम्स तैयारी करने में वो हमारा कंट्रीब्यूशन है कि मैं एक घंटा चाहता था क्योंकि बच्चे जो लोग बीपीएससी कर रहे थे कई बच्चे हैं जो सोच सोचते थे कि थोड़ा सा ए, वन डे एग्जाम से जुड़ा हुआ हो चाहे वो एस हो या फिर आप तैयारी कर रहे हैं आपके बिहार में किसी भी कोर्ट के कुछ भी आ, तो तमाम चीजें यहां पर होगा और मैं आपको मेरा क्लास चलते रहेगा बाकी सारे चीजें तो चलती हैं इस चैनल पर आप टोटल चल रहा है आप जिसको जहां पर पढ़ना है जितना फायदा उठाना है उठाते रहिए बिहार अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन पूरा परिवार है अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन पूरा बहुत बड़ा ग्रुप है हम सभी लोग लगे हुए हैं कि एग्जाम को कैसे आसान करें कैसे आपकी तैयारी अच्छी हो जाए कैसे आप लोग मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट में मिनिमम कॉस्ट में हम लोग हर गाँव तक हर जगह तक पहुंचना चाहते हैं और पहुंच भी चुके हैं सभी बच्चे जुड़ भी जुड़ते हैं और डेली पढ़ते हैं। तो बिल्कुल बढ़िया आप लोग ज्वाइन करते रहिए और भी मेरा प्रयास रहता है मेरा एफर्ट रहता है कि और भी ज्यादा बेहतरीन हो अगर आप समय दे रहे हैं तो समय का कुछ फायदा मिले आपको अन्यथा समय बर्बाद में ना तो आपका करना चाहता हूं ना मैं अपना करना चाहता हूं तो एक बार सेशन को आप लोग शेयर कर दीजिएगा लिंक वगैरह को दोस्तों को बताइएगा सब जुड़ेंगे पढ़ेंगे यहां पर और यहां पर हम लोग खास बात यह है कि करंट की भी आ, सभी चीजों को पढ़ते रहेंगे ठीक है समय समय पर सारे करेंट के इंपॉर्टेंट पॉइंट को पढ़ते रहेंगे चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का थैंक यू सो मच